हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सो आज के लास्ट uh, वीडियो में हमने पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में आज हम देखेंगे हाउ एनिमल अडेप्ट देखेंगे एनिमल आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज टू कॉप विद कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइट मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द रीजन वेयर दे लीव तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड क्लाइमेट के बारे में तो ऐसे एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं या फिर जो हिली एरियाज़ में माउंटेन रीजन में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं याक पोलर बियर मिंक एरमिन आर्कटिक फॉक्सेस इनकी बॉडी में एक थिक फर का हम कह सकते हैं कि एक थिक कोट होता है फर का जो उनकी बॉडी में हीट को कंजर्व करके रखता है और बहुत सारे एनिमल जैसे पोलर बियर इनकी बॉडी में वाइट फर होता है जो इनको अपने सराउंडिंग से मैच कराता है और अपने प्रेडेटर से भी बचा कर रखता है या फिर शिकार होने से हम कह सकते हैं कि ये बचे रहते हैं आर्कटिक फॉक्सेस एर्माइन इनकी बॉडी में विंटर के टाइम में एक वाइट कोट का लेयर होता है एंड स्पिकल्ड स्पिकल्ड कहने का मतलब होता है कि एक पैच या फिर स्मॉल स्पॉट होता है और ब्राउन कोट इन समर और ठंड में इनकी बॉडी में एक ब्राउन कलर का कोट होता है पेंगविन ऑन दी अदर हैंड हम कह सकते हैं कि पेंगविन को अपने आप को अपने आप को प्रिडिक्ट से बचाने का जरूरत नहीं हो बचाने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उन्हें अपने लिए फूड ढूंढने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहीं पे वो फिश खाते हैं इसीलिए वो अपने उड़ने की एबिलिटी भूल जाते हैं और इंस्टीड ऑफ स्विम आ, फ्लाइंग ये एक बहुत अच्छे स्विमर बन जाते हैं बन गए हैं फिर वेल सील फेंग पेंगवीन एंड पोलर बियर हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड एंड एक्ट अ स्टोर ऑफ फूड इन विंटर व्हेन फूड इज केयर अब हम कह सकते हैं कि जो पेंगवीन है सील्स है पोलर बियर है वेल है इनके बॉडी के अंदर एक ल, बहुत हम कह सकते हैं एक बहुत मोटी जो फैट का लेयर होता है जो इनको ठंड से बचा कर रखती है और जब ठंड में खाना नहीं मिलता है तो इनके लिए एक फूड के स्टोर के जैसा काम करता है और मदर पोलर बियर सर्वाइव ऑन दिस स्टोर ऑफ फूड इन विंटर व्हेन दे होल देम अप अंडर द स्नो विद न्यू बोर्न कब्स अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन आर अदर वेज़ ऑफ कॉपिंग विद द कोल्ड एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर अब यहाँ पे हम देखेंगे दो तरीका एक हाइबरनेशन हाइबरनेशन हम जानते हैं कि हाइबरनेशन एक ऐसा स्लीपिंग स्टेट है जिसमें एनिमल बहुत जिसमें जब एनिमल बहुत ज़्यादा ठंड होता है या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है फूड का तो वो स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं एंड माइग्रेशन हम जानते हैं कि जब एक एनिमल एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता है तो so, ये माइग्रेशन कहलाता है सो ब्राउन बियर हॉग, बैट स्क्विरल्स ये लोग स्क्विरल्स लिविंग इन टेम्परेट ये हाइबरनेट और गो इन टू अ लाइक स्टेट इन विंटर सो डू इसी तरह से अर्थ वॉम स्नैक्ट और, तो और फ्रॉग भी हाइबरनेशन की कंडीशन में चले जाते हैं स्टेट में सो so, बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जो माइग्रेट करते हैं गर्म वार्मर क्लाइमेट एंड विंटर एंड रिटर्न स्प्रिंग तो बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं जो गर्मी के टाइम में माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है और फिर वो स्प्रिंग सीजन में वापस आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइबेरियन क्रेन यूज टू माइग्रेट टू इंडिया अंटिल वेरी रिसेंटली इट स्टिल माइग्रेट टू ईरान एंड चाइना मेनी अदर एनिमल लाइक इंसेक्ट्स एंड फिश also migrate. now, next topic is tropical forest. now, tropical forest is a uh, ek forest ka type of so in the dense rainforest, adaptation are related mostly to the competition for food. when you wonder why this is so, when the luxuriant forest should be able to provide plenty of food, but

ये फूड प्रोवाइड करने इन इन आ, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं इनमें फूड प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है प्लेंटी ऑफ फूड प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है बट अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर फूड हम कह सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल है तो यहाँ पे कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा है इसीलिए जो जानवर खुद को जंगल के इसलिए जानवर खुद को जंगल के अलग अलग लेयर में सीमित कर लेते हैं

उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती है लाइक फूड हो गया तो ये उन्हें जहाँ वो जिस लेयर में रहते हैं वहाँ मिल जाता है दे हैव डेवलप्ड अ ग्रेट एबिलिटी टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्म और मस्क्युलर टेल दैट कैन ग्रेफ ब्रांचेस अब ये जो मंकी हैं इनमें एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस में आराम से स्विंग कर सकते हैं और इनका जो लॉन्ग मस्क्युलर टेल होता है ये ब्रांचेस को होल्ड करने में ग्रेफ करने में इनकी मदद करता है एंड जो मिडिल लेयर होता है शॉर्ट ट्रीज का इनका इनका भी यहाँ पे अपना पॉपुलेशन हो, होता है यहाँ पे बर्ड्स होते हैं मंकीज़ होते हैं इंसेक्ट्स स्नैक एंड लिजार्ड्स होते हैं और एक यहाँ पे जैगवर ही बिगेस्ट एनिमल होता है इट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू बी एबल टू स्पॉट प्री एंड ये जो जैगवर है ये अपना मैक्सिमम टाइम पेड़ की ब्रांचेस में ही बिताता है क्योंकि वहाँ वो क्योंकि उस ब्रांचेस से वो अपने शिकार को बहुत अच्छे तरीके से देख पाता है ना गोरिला बियर एंड अदर क्लम्सी एनिमल जो जो हम कह सकते हैं जो चढ़ा नहीं पाते हैं ऊंचे पेड़ों पर वो फ्लोर पे ही रहते हैं जैसे इंसेक्ट्स लीजर्ड एंड स्मॉल मेमल्स टू नाउ ये जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है उसमें ब्राउजर ऐसे ब्राउज़र जो सिर्फ पत्ते खाने वाले जानवर होते हैं एंड जो ग्रेज़र जो चरने वाले होते हैं उनमें अलग अलग फूड हैबिट होता है जिससे वो, वो अपने बीच के कंपटीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं दे जनरली हैव लॉन्ग लेग्स बिकॉज दे नीड टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेज टू लुक फॉर फूड एंड वाटर मीनी ट्रॉपिकल एनिमल है स्पेशल एडप्टेशन टू कॉम विद द हीट लेट इस लुक एट एलिफेंट इन परटिकुलर सो देर आर डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट में डिफरेंस होता है अफ्रीकन एलीफेंट ये ग्रास लैंड में रहता है और जो एशियन एलीफेंट होता है ये मोस्टली माइस्ट या फिर ड्राई फॉरेस्ट में रहते हैं बट जितने भी एलिफेंट होते हैं इधर वो अफ्रीकन हो एशियन हो उनके आ, हम कह सकते हैं दे हैव लार्ज ईयर विच हेल्प टू रेडिएट हीट फ्रॉम द बॉडी एंड द लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू लूज हीट एलिफेंट्स सर एलिफेंट जो होते हैं ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और ये अपने आप को ठंडे रखने के लिए कूल रखने के लिए हमेशा पानी में डिप करते रहते हैं खुद को दे यूज देट और ये अपना ट्रंक यूज़ करते हैं अपने बैक में पानी पहुँचाने के लिए जिससे वो अपने बॉडी को ठंडो और साफ रखते हैं और इससे इंसेक्ट भी उनसे दूर रहता है द ट्रंक इज़ अ मॉडिफिकेशन अब ये जो इनका ट्रंक होता है ये अपर लिप का मॉडिफिकेशन होता है और एंड नोज़ विच हज़ यह और नोज है इनका सिर्फ ब्रीदिंग के अलावा और भी बहुत सारा यूज़ होता है तो पहला यूज़ तो है कि जो नोज है ये इनको सांस लेने में मदद करता है जब भी स्विमिंग करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं वाटर में एंड इट ऑल्सो हेल्प दिन अपरूट ग्रासेस ये नोज इनको ग्रास को अपरोट करने में भी हेल्प करता है एंड प्लांट्स नॉट ओनली फॉर ईटिंग बट ऑल्सो पोस्ट देयर वे थ्रू फॉरेस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे तो टाइगर एन फॉरेस्ट जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे साइबेरियन टाइगर है इनके बॉडी में एक थिकने का मतलब होता है लॉन्ग कोट होता है इनके बॉडी में एंड जो ट्रॉपिकल टाइगर, टाइगर होते हैं दे हैज अ कोट ऑफ शॉर्ट क्लोज फॉर एंड दिस टाइप्स ऑन इट्स बॉडी हेल्प इट हाइड अमॉन्ग टॉल ग्रासेस और इनके बॉडी में जो स्ट्राइप्स होते हैं ये इनको बड़े बड़े घासों से में छुपने में हेल्प करते हैं और ये इनके जो बॉडी का जो पैटर्न होता है यही पैटर्न हम सिमिलरली जेबरा में भी देखते हैं जिसको हम कहते हैं डिसरेप्टिव कॉलरेशन एट ब्रेकअप देप ऑफ द बॉडी व्यूजली एंड कन्फ्यूज द्री ऑफ प्रडेटर्स अब ये क्या करता है इस टाइप के शेप से जो प्रेटर होते हैं वो अपने प्रिडेटर शिकारी या शिकार हम कह सकते हैं कि ये इन टाइगर को पहचान नहीं पाते हैं अनलाइक अदर कैट्स द टाइगर लव्स वाटर दूसरे कैट की तरह ये जो टाइगर होते हैं ये भी ये भी वाटर पसंद करते हैं और ये भी एक बहुत अच्छे स्विमर होते हैं अ डिप इन वाटर हेल्प इट कूल कीप हेल्प्स इट कीप कूल इन वार्म क्लाइमेट वेर इट लीव्स सो जब ये पानी में एक डुबकी लगाते हैं तो इनको ये अपने आप को जिससे इन्हें अपने आप को ठंडा रखने में मदद मिलता है लाइक अदर कैट्स द टाइगर दूसरे बिल्लियों की तरह टाइगर भी एक बहुत अच्छे हंटर होते हैं इनका जो सॉफ्ट पाव होता है इनका सॉफ्ट पाव पैड जो होता है ये अपने शिकारी को बहुत जल्दी पकड़ने में हेल्प करते हैं और इनका जो हिंड लेग होता है वो फोर लेग से ज़्यादा लॉन्गर होता है और जो इनको इनके प्री को जंप करने जब ये अपने प्री पर जंप करते हैं उस टाइम ये इनका लेग हेल्पफुल होता है इट कैन रिट्रैक्ट और पुल इट्स क्लॉज इन टू इट्स पॉज विच प्रोटेक्ट इट्स क्लॉज फ्रॉम वियर एंड टीयर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट सो यू हैव स्टडीड the adaptation of animal living in desert in your previous classes so yahan pe hum dekhenge chemical sorry camel are specially suited to survive the harsh climate of desert they excrete aur ye jo camel hote hain ye bahut kam amount mein हम कह सकते हैं कि बहुत कम amount में urine discharge करते हैं अपने body से and ये एक ही बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं they दे कैन ऑल्सो टॉलरेट चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर विच हेल्प दम कॉप विद दॉट डेज एंड कोल्ड नाइट ऑफ द डेजर्ट अब इनमें टेम्परेचर चेंज को भी टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ये जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो भी ये सरवाइव कर लेते हैं और जब रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो भी ये इजीली सरवाइव कर लेते हैं रैट एंड अदर स्मॉल एनिमल इन द डेजर्ट स्टे इन दिस सेड और इन द ब्यूरो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डे और जो रैट होते हैं या फिर और भी बहुत सारे छोटे एनिमल होते हैं ये या तो शेड में रहते हैं या तो अपने बिल में रहते हैं पूरे दिन और ये रात में एक्टिव होते हैं ना समाइस गो इन टू अ स्लिप समर स्लिप टू कॉ विथ द हीट और ये जो समर स्लिप होता है इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं एस्टिवेशन एक ऐसा स्टेट होता है स्लीपलेक्स स्टेट होता है जिसमें एनिमल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए या फिर उस कंडीशन से कॉप करने के लिए वो एक स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं यही एस्टिवेशन कहलाता है उम्मीद करती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू